अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या टिकट के फिट पर बिल्कुल ओके, जबरदस्त है, फिट है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। गाइस आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ब्रदर मोबाइल, और वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। गाइस आज हम दो मॉडल सुपर हिट मॉडल लेके आए हैं, आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक है रेडमी का नोट 13 और इसके अगेंस्ट हम लाए हैं रेडमी का टेक्नो का हेस्पा 20 Pro Plus। एक है रेडमी का नोट 13, दूसरा है टेक्नो का स्पार 20 Pro Plus। आज इन दोनों सेटों का कंपेयर करने वाले हैं। दोनों सेट बहुत ही अच्छे हैं, लोकेशन के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से, डिजाइनिंग के लिहाज से और फीचर के लिहाज से। इनके स्टाइलिश भी हैं दोनों सेट और इनकी प्रोग्रेस भी अच्छी है। ये मार्केट में बहुत इन है और कस्टमर की डिमांड है, ये टॉप टॉप ऑफ द लिस्ट है सेल होने में। तो आज इन दोनों सेट का कंपेयर करने वाले हैं। तो सब मैं आपको एक बात शेयर करता चलूँ, एक हमारा व्यूअर जो है वो हमारा उसने फरमाइश की, तो उसने कमेंट्स किया था हमें कि भाई रेडमी नोट 13 और टेक्नो का स्पार 20 Pro Plus दोनों सेटों का कंपेयर करा दे, शायद तो दोनों सेट उसको पसंद होंगे और लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रहा होगा कि इन दोनों सेटों में कौन सा सेट लूँ। तो आज मैं वैसे इन दोनों सेटों का कंपेयर कराना था हमने, तो स्पेशल ये वीडियो उस भाई के लिए बना रहे हैं, उसने फरमाइश की थी, उसने कमेंट्स किया था, उसकी मोहब्बत है तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमें कमेंट्स भी करता है और उसकी इस चीज़ का भी बहुत शुक्रिया कि उसने फरमाइश भी की हमें। तो ये स्पेशल उसके लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि वो आसानी से फैसला कर पाए कि उसके कौन सा सेट लेना चाहिए, रेडमी नोट 13 या टेक्नो का स्पार 20 Pro Plus। तो आइए ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं ओपन करने लगा हूँ रेडमी का नोट 13। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रेडमी का सेट है नोट 13, बहुत अच्छा सेट है, बहुत अच्छा सेट है, खूबसूरती के लिहाज से भी, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। ये आप इस वक्त स्क्रीन पे ओपन हो गया, आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेट है। मुझे तो ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस रेंज में परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत अच्छा सेट है ये रेडमी का नोट 13। तो मैं आपको सबसे पहले इसके कलर शेयर करता चलूँ, इसमें तीन कलर है, एक ब्लैक कलर है और ब्लू कलर है और ये ग्रीन कलर है। ये मैंने ग्रीन कलर आज ओपन किया हुआ है क्योंकि ब्लू कलर और ब्लैक कलर मैं कलर्स की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आज मैंने ग्रीन कलर जानबूझ के ओपन किया है ताकि अपने व्यूअर को एक तीसरा कलर भी दिखा सकूं। तो ये हो गया रेडमी का नोट 13, अब ओपन करने लगा हूँ ये टेक्नो का एस्पा 20 Pro Plus। ये हो गया स्पार 20 Pro Plus। ये भी मैंने ग्रीन कलर ओपन किया है। बोलो मैंने कहा ऐसे ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो इसे ये हो गया, ये देखिए ग्रीन कलर है, आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, खूबसूरत भी है, स्लिम स्मार्ट भी है। रेडमी की नस्बत ये खूबसूरत है और लेंथ में भी बड़ा है और खूबसूरत स्टाइलिश है, उसकी नस्बत ज़्यादा स्टाइलिश है। लेकिन मैंने दोनों सेट को कंपेयर करा रहा हूँ तो मैं दोनों सेट आपको दिखाऊँगा, बैक वाक भी आपको दिखा रहा हूँ कि देखें कौन सा सेट आपको अच्छा लग रहा है। ये रेडमी का है और एक टेक्नो का एस्पा 20 Pro Plus। तो दोनों कलर, दोनों सेटों की जो कैमरे की डिज़ाइनिंग है अलग से अलग है, मुख्तलिफ है, एक जैसी नहीं है। तो आपने हमें कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आल फीचर के लिहाज से आपको कौन सी डिवाइस अच्छी लगी है, रेडमी की या टेक्नो स्पार 20 Pro Plus। हाँ इस वक्त मैं ऐसे भी दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे सेट हैं, स्लिम स्मार्ट हैं, हैंडी हैं, स्टाइलिश हैं, खूबसूरत भी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके रैम रोम शेयर करता चलूँ, जो रेडमी की डिवाइस है ये 8 GB रैम है और 256 GB मेमोरी में है, और इसके मुकाबले में जो टेक्नो की डिवाइस है ये भी 8 GB रैम है प्लस 8 यानी कि 16 एक्सटेंड है, यानी कि टोटल 16 हो जाएगी, और इसकी मेमोरी भी 256 है, यानी कि दोनों सेट जो हैं 8/256 में है, और 8/256 में। अगर इनके कलर ग्राफिक्स की मैं बात करूं तो दोनों सुपर ऑमलेट डिस्प्ले में हैं और इनका फिंगरप्रिंट भी स्क्रीन में है, अंडर डिस्प्ले है फिंगरप्रिंट भी, और दोनों है भी सुपर ऑमलेट डिस्प्ले में। लेकिन ये टेक्नो जो रेडमी का सेट है ये कर्व्ड नहीं है
और जो इस मुकाबले में मैं टेक्नो कैसेट जो लाया हूँ, ये कार्बड है, ये देखे, ये 3D कार्बड है। इस लिहाज से भी इसकी खूबसूरती बढ़ गई है, और ये खूबसूरती इस लिहाज से भी इसकी बढ़ गई है। बहुत अच्छा सेट है, खूबसूरत भी है और लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। तो है भी 3D कार्ब में, दोनों सेटों का सुपर अमोलेड डिस्प्ले है। तो मैं दोनों सेटों के अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो जो रेडमी की डिवाइस है, इसका प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ है, आक्टा कोर स्नैपड्रैगन 1.8 आक्टा कोर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ है, 685 685 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर इसमें इसकी चिपसेट की बात करूँ तो ये 6 NM इसमें चिपसेट लगी हुई है। इसके मुकाबले में जो हम टेक्नो का सेट लाए हैं Spark 20 Pro Plus, तो इसमें प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें अक्टा कोर प्रोसेसर लगा है 2.0G99 का, और इसमें चिपसेट की बात करूँ तो इसमें भी 6 NM चिपसेट लगी हुई है। और अगर इन दोनों सेटों का कैमरे का कंपेयर करें तो इसका बैक वाला 108 MP है रेडमी का सेट का, नोट 13 प्रो का, और जो टेक्नो का सेट है इसका भी बैक वाला 108 MP है। और अगर फ्रंट कैमरे सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो रेडमी का जो डिवाइस है इसका फ्रंट वाला 16 MP है सेल्फी कैमरा, और टेक्नो का जो फ्रंट कैमरा है वो है 32 MP। तो दोनों सेटों का मैं आपको कल कैमरे का रिजल्ट भी चेक कराऊंगा। ये ऑन किया सेट, मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर खूबसूरती के लिहाज से देखें तो मैं खुद भी परेशानी में मुबतला हो गया हूँ कि कौन सा सेट है, क्योंकि दोनों के फीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कस्टमर की डिमांड भी है। मैं खुद इसमें कि कौन सा सेट, जबकि दोनों सेट मेरी अवलिन पसंद है, कि मैं कौन से सेट पे आप इंतखाब करूँ, क्योंकि एक ना अगर जहाँ चॉइस आ जाए ना दो सेटों का, या किसी भी कोई भी मामला जहाँ चॉइस आ जाए तो एक को मुंतखब करना पड़ता है। तो अब मैं इस फैसले में कि कौन से सेट को मुंतखब करूँ, ये दोनों प्रोसेसर के अगर देखूँ तो ये सेट अच्छा है प्रोसेसर के लिहाज से। अगर खूबसूरत डिजाइनिंग और स्टाइलिश देखूँ तो मुझे ये टेक्नो का सेट अच्छा लगता है। लेकिन आपने भी अपनी पसंद लाजमी बतानी है कि आपको कौन सा सेट अच्छा लगे, आपने कमेंट्स लाजमी करनी है। ये देखिए दोनों सेट ऑन हो गए हैं, मैं आपको चेक करा देता हूँ। आप एक तो स्क्रीन पे देख रहे हैं दोनों सेटों के कलर ग्राफिक्स, दोनों सेटों के कलर ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, दोनों सुपर अमोलेड डिस्प्ले में हैं, और नज़र भी आ रहा है कि सुपर अमोलेड डिस्प्ले है। ये देखिए आपके सामने है, बहुत अच्छे ग्राफिक्स शो कर रहे हैं दोनों सेट जो है, चाहे रेडमी ले लें नोट 13 और चाहे टेक्नो का Spark 20 प्रो प्लस ले लें, दोनों का दोनों के अच्छे ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त, बहुत अच्छे हैं कलर ग्राफिक्स इस रेंज में, बहुत अच्छे हैं, देखिए बहुत अच्छे हैं। मैं आपको अब इसका कैमरे का रिजल्ट चेक करा रहा हूँ। ये देखिए ये रेडमी का मैंने सेट को टेक्नो का सेट उठाया हुआ है Spark 20 प्रो प्लस, ये देखिए इसका कैमरा मैं ओपन किया हुआ है, वो तो 108 MP ऊपर लिखा हुआ भी है 108 MP। इसमें जूमिंग आपको चेक करा रहा हूँ, 10x है जूमिंग, बहुत अच्छा सेट है कैमरे के लिहाज से। और अब ये उठाया हुआ है रेडमी का नोट 13, इसका कैमरा चेक कर रहे हैं, ये देखिए इसकी जूमिंग भी चेक कर रहा हूँ। तो यार जूमिंग के लिहाज से तो मुझे तो ये रेडमी का सेट अच्छा लग रहा है। कैमरे में बैक वैक दोनों के इकट्ठे कंपेयर करा देता हूँ ताकि फैसला करने में कोई मुश्किल ना हो, कोई दुश्वारी ना हो। कौन सा अच्छा है, यार रेडमी का सेट का कैमरा बहुत अच्छा है। यार दोनों सेटों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा है दोनों सेटों का रिजल्ट। अब फैसला आज आपने करना है, मैं फैसला नहीं कर पा रहा, आपने फैसला करना है कि कौन से सेट का बैक कैमरे का रिजल्ट अच्छा है। कमेंट्स लाजमी करनी है व्यूवर, आपके कमेंट्स का मैं इंतजार रहेगा। तो आए इसका फ्रंट का जो सेल्फी कैमरा वो भी चेक करा देता हूँ मैं आपको। जो टेक्नो का है उसके है 32 MP, जो रेडमी के है उसके 16 MP। फ्रंट कैमरा का मुझे ऊपर वाला अच्छा लग रहा है, हाँ टेक्नो है फ्रंट कैमरा, मुझे ऊपर वाला सेल्फी कैमरा जो ऊपर वाले कैमरे मोबाइल की अच्छी लग रही है। ये देखिए टेक्नो का सेट है, और फर्क भी है, ऊपर वाला 32 MP है, नीचे वाला 16 MP है।
दोनों डिवाइसें बहुत अच्छी हैं और दोनों से डिवाइस में आपको कलर भी आपको शेयर करता चलूँ। रेडमी के मैं कलर बता चुका लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, इसमें तीन कलर हैं, एक ग्रीन कलर है, ये मैंने ग्रीन कलर ओपन किया हुआ है, दूसरा ब्लू कलर है, तीसरा ब्लैक कलर है। और जो टेक्नो के मोबाइल में तीन कलर, इसमें भी तीन कलर हैं, एक है वाइट कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर भी है वो बैक इसकी मैट में है, आप करीब करके दिखा देंगे, इसकी जो बैक है ये मैट में है, लेकिन जो रेडमी का से डिवाइस हैं इसमें कोई भी कलर मैट में नहीं है, ये बैक वाली इसकी मैट में है। स्लिम स्मार्ट मैं आपको चेक करा रहा हूँ, ये देखिए खूबसूरती तो ज़्यादा टेक्नो के सेट की है खूबसूरती, और टेक्नो का सेट है भी बहुत अच्छा, टॉप ऑफ द लिस्ट किया हुआ है इस वक्त। ये नीचे देख लें, ये स्पीकर दिया हुआ है इन्होंने, पावरफुल स्पीकर है, ये हैंड फ्री के लिए जैक इस्तेमाल हो रहा है टाइप सी, और ये सिम स्लॉट है, मैं सिम स्लॉट भी आपको चेक करा देता हूँ, ये सिम स्लॉट्स हैं। और ऊपर मैं आपको शेयर करता हूँ, दोनों सेटों का ऊपर भी स्पीकर है, पावरफुल स्पीकर है इसका, ये हैंड फ्री के लिए जैक इस्तेमाल हो रहा है, 3.5 का ऑडियो जैक है, रेडमी का और टेक्नो का भी टाइप सी है, लेकिन इसकी हैंड फ्री के लिए 3.5 का ऑडियो जैक नहीं है, इसमें टाइप सी हैंड फ्री इस्तेमाल हो रही है, इसमें टाइप सी हैंड फ्री इस्तेमाल हो रही है, जबकि इसमें 3.5 का ऑडियो जैक है, और ये बतौर रिमोट इस्तेमाल होता है। रेडमी का कोई भी सेट हो उसमें ये ऑप्शन मौजूद है। क्या कह रहे हैं, तो सिम जैकेट चेक करा देता हूँ मैं आपको, ये सिम स्लॉट, ये होगी रेडमी की नोट 13, इसकी सिम स्लॉट है, ये वन सिम है, और इधर ऑप्शन है दूसरी सिम लगेगी, ये मेमोरी कार्ड लगेगा। तो टेक्नो वाले सेट के भी सिम स्लॉट ओपन करता हूँ मैं, ये हो गया, इसमें वन सिम है और इधर टू सिम है, इसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है, जो टेक्नो का सेट है इसमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है। तो ये हो गया सेट की, अब मैं ना आपको एसेसरीज इनकी चेक करा देता हूँ। जी होगी दोनों सेट की एसेसरीज, ये रेडमी का सेट है, इसका 33 वाट का है फास्ट चार्जर, और ये टेक्नो का इसका भी 33 वाट का फास्ट चार्जर, दोनों सेटों ने 5000 mAh बैटरी के साथ 33 वाट का चार्जर दिया हुआ है, फास्ट चार्जर 33 वाट, USB टू टाइप सी है, और ये डेटा केबल हो गई, ये डेटा केबल, और इसमें मैं आपको पाउच भी चेक करा देता हूँ, ये है, ये रेडमी ने दिया है ब्लैक कलर का है, सॉफ्ट है, और ये टेक्नो ये वाइट है, ये ब्लैक है, और टेक्नो ने साथ में गिलास भी दिया है जो कर्व में है, अच्छी बात है, हमारे व्यूवर और हमारे कस्टमर की बचत है। ये होगी तमाम एसेसरीज मैंने आपको चेक करा दिया, और तमाम सेट दोनों सेटों को मैंने आपको फीचर भी बता दिए, पर आपने कमेंट्स लाजमी करनी है कि तमाम फीचर के लिहाज से आपको कौन सी डिवाइस अच्छी लगी है, रेडमी नोट 13 या टेक्नो स्पार्क 20 Pro Plus। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, तो हमारी शॉप की लोकेशन नोट कर ले, हमारी शॉप का नाम है सिटी फोन लियाकत बाजार ब्लॉक 15 डेरा गाज खान, और हमारे चैनल का नाम है ब्रादर मोबाइल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें,
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।